कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है इसी सियासी घटनाक्रम पर, सुनिए। क्योंकि हमारा मकसद है चुनाव जीतना और जो भी हमने फिर वादे किए हैं जनता के साथ उसको पूरा करना। देखिए ऐसा है कि हमने एक सुझाव दिया है, जब हम सुझाव देते हैं तो निश्चित रूप से सोच समझ के देते हैं, तो इतना ही जवाब काफी होता है। मैंने बोला ना आपको कि जो बातें उन्होंने हमारे सामने रखी थी उनको सामने रखते हुए हमने एक सुझाव दिया है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आपने सुझाव दिया, जो सुझाव को हार्दिक ने माना, वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा और सिर्फ चुनाव तक ये किसको टाला जाए। अब जब भाजपा ही स्टैंड नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री का बयान का मतलब क्या है? लेकिन सर नितिन पटेल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपका नाम जिक्र करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल साहब ने बस एक प्रोटोटाइपिंग एक सुझाव दे दिया, हार्दिक को कुछ पता है नहीं, बस कह दिया है, जबकि ऑफिशियली एक पॉसिबल नहीं है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के, उनको कुछ पता है कि नहीं? भाजपा जनता को गुमराह करती रही है 22 साल और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे षड्यंत्र भाजपा ने अपनाए कि जब पाटीदारों का विरोध हुआ और हार्दिक पटेल जी सबसे आगे थे तो सेडिशन का केस किसने लगाया था हार्दिक के खिलाफ? ये देखिए ऐसा है कि इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने आज तक संविधान का पालन नहीं किया, उस बात का गुजरात प्रतीक है, ठीक है ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये जितना कम संविधान की बात करे उतना ही इनके लिए अच्छा है, क्योंकि जनता देश में समझ चुकी है कि इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। जो पाटीदार समाज के लोग हैं जिसको हार्दिक पटेल, मैंने कहा ना कि जब हम बातचीत करते हैं और अपना सुझाव सामने रखते हैं कि सोच समझ के रखते हैं, तो जनता को भी समझना चाहिए कि सोच समझ के सुझाव दिया है, ठीक। सर हार्दिक के इस मूव से कांग्रेस के लिए कितना ये फायदेमंद होने जा रहा है? देखिए ऐसा है कि एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। हार्दिक बार बार जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से मिला है, क्योंकि सर उस फॉर्मूले को लेकर के काफी चर्चा हो रही है, उसी पर बीजेपी भी आप चर्चा करते रहिए, अच्छी बात है, आप चर्चा करते रहिए। उस फॉर्मूले में क्या ये जो है, मैंने बोला ना कि सोच समझ के फॉर्मूला तय हुआ है और सोच समझ के हम आगे बढ़े हैं और संविधान को सामने रखते हुए आगे बढ़े, 50% से ज्यादा, फिर वही बात। अरे भैया इनका कौन सा ऐसा भाजपा का कोई नेतृत्व है जो ऐसी बात नहीं करता? हमारे प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तभी ऐसी बात करते थे, अब उनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं वो ऐसी बात करते हैं, उनके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसी बात करते हैं, कौन इनको समझाए, कौन इनसे? देखिए अगर हम भी ऐसी बात करने लगेंगे तो जो स्तर है वार्तालाप का वो उसमें गिरावट आ जाएगी, हम नहीं चाहते कि गिरावट आए। ये बात करते रहे जिस संदर्भ में करते हैं करते रहे, जनता समझ चुकी है कि इनकी बातों से किसी को कुछ मिलना नहीं। मैं भाई कोई बात देखो किसकी तरफ से नहीं आया था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं शुरुआत तो भैया 2014 से पहले हो चुकी है, जो बातें ये लोग करते थे, जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे खुद मोदी जी, और जिस भाषा का लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ की उंगली काट देंगे, कोई बात करेगा तो उंगली काट देंगे, या मैं भाषा ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना, किसी का सर काट देंगे, किसी की उंगली काट देंगे, सभी को दंडित करेंगे, ये भाषा हम तो नहीं इस्तेमाल करते, कांग्रेस पार्टी ने तो कभी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की, ठीक है ना। तो ये इस बात में मत पड़िए, बात जो मूल बात यह है कि इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं, इनको बस एक ही इनका लक्ष्य है, किसी तरीके से समाज में बंटवारा पैदा करो, अनाप शनाप बोलो, गलत गलत बयानी दो, लोगों को सपने दिखाओ और चुनाव जीतो। पटेल ने एक और
क्या राहुल और हार्दिक को मूर्ख बता रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मैं अब ऐसे बयान के बारे में मैं कुछ जवाब भी नहीं देना चाहता, ठीक है ना। कोई समझदार कभी ऐसी बात नहीं करता। They have needed Patidar for how many years? And what have they done for them? Except file sedition cases. So I want to know from them what is their mansha, what is in their mind that they got the support of the Patidar community for how 22 years. What have they done for them in the last 22 years? Nothing. They have only betrayed their trust. We are not the ones who betray anybody's trust. Thank you. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।